हेलो गाइस, आज का फूड रेसिपी में आपको स्वागत है। मैं बनाना चाह रहा हूँ मैसूरी बंडा और सीरा राइस। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, ट्राई करें। मैं इसमें एक कप मैदा डालें और जीरा डालें और दही डालें और छोटी सी स्पून बेकिंग पाउडर डालें और ग्रीन चिल्ली डाल के इसको अच्छा तरीके से मिला दें। देखिए दोस्तों, ये सीखने में बहुत बड़ी आसानी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देता हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छा तरीके से मालिश करें। जितना भी इसको मालिश करें उतना परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको पल ले लिया हूँ, कढ़ाई में डाल दिया हूँ, ग्रीन चिल्ली डाल दिया हूँ, इसको अच्छा तरीके से घुटे। घुटने के बाद ये क्या है, चटनी अच्छा टेस्टी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में अच्छा तरीके से भून दिया और इसको निकाल देता हूँ एक बोल में। बोल में निकालने के बाद जो है ये मिर्ची मैं मिक्सी में डाल देता हूँ। ये मिर्ची को जो है मिक्सी में डालने के बाद मैं ये पल्ली को क्या करता हूँ, इसको अच्छा से थोड़ा सा छिलका निकाल देता हूँ। इसको अच्छा से छिलका निकालने के बाद इसको अच्छा तरीके से मिक्सी में पेस्ट निकालें। देखिए ऐसा गर्म है थोड़ा, इतना बढ़िया तरीके से मैं छिलका निकाल दिया हूँ। देखिए इतना थोड़ा आधा सा निकल गया। देखिए अभी मैं इसको मिक्सी में डाल देता हूँ। अभी इसको मिक्सी में डालने के बाद क्या है, इसको नमक डाल देंगे आधा स्पून और इसमें डाल देंगे थोड़ा जीरा। डालने के बाद क्या है, चटनी का फ्लेवर अच्छा आ जाए। इसको मैं पीसने के लिए लगा देता हूँ। अभी मैं क्या है, कढ़ाई में ऑयल डाल देता हूँ। ये ऑयल थोड़ी सी काफ़ी गर्म होने के बाद इसमें अपन अच्छा से थोड़ा बोंडा डाल देंगे। देखिए इतना अच्छा तरीके से बोंडा डालना है, अपन कितना भी डाल सकते मगर उतना ज़्यादा भी नहीं डालना। साइज के हिसाब से छोटा छोटा बोंडा डालना है। ये कितना है, बड़ा अच्छा टेस्टी होता है। घर में बनने से ना अपन उतना ज़्यादा बेकिंग पाउडर यूज नहीं करते, उसके लिए ज़्यादा फूल नहीं पाता है। देखिए वो भी सही निकला है, इतना बढ़िया बंडा बन गया अपना। बस अपन ये मैदा से बनाते हैं। देखिए इतना बड़ा बन गया है। अभी इसको मैं प्लेट में लगा देता हूँ। इसको प्लेट में लगाने का बाद अभी देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डालता हूँ और ग्रीन चिल्ली और इसके बाद डालेंगे करी लीफ डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करें। उसके बाद मैं डाल देता हूँ इसमें राइस। देखिए इतना बढ़िया राइस है। इसको मैं कुकर में बनाया तो भी अच्छा ही निकल गया। देखिए इसको अच्छा तरीके से टूटा है। टूटने के बाद इसको अच्छा थोड़ा सा मिक्स करें। इतना बड़ा बढ़िया राइस बन गया है। ये घर में कभी दाल चावल नहीं तो ऐसे जीरा राइस भी खाना पड़ता है। मैं लंच बॉक्स बना रहा हूँ। देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी नमक डाल देता हूँ एक आधा स्पून और इसमें जीरा पाउडर डाल देता हूँ। उसमें कोई मिर्ची मसाला डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छा तरीका से मिक्स करें। देखिए इतना अच्छा तरीका से मिक्स कर दिया है। अभी अपन इसमें अच्छा मिक्स करने के बाद इसमें अपन डाल देंगे लेमन। लेमन डालने के बाद क्या होता है, खट्टा और वो जो ग्रीन चिल्ली वाला स्पाइसी। इसमें अच्छा मैं लेमन भी ऐड कर दिया हूँ। एक पीस नींबू काट के अच्छा तरीके से ऐड कर देंगे। देखिए इसको अच्छा से मिला है। इसमें अपन डाल देंगे कोथमीर। हरी धनिया डालने से इसका खुशबू मज़ेदार लगेगा। देखिए इतना अच्छा अपना बन गया है जीरा राइस। इसको अच्छा तरीके से मिला है। अभी इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया हूँ बॉक्स में। ये क्या है, अपना स्कूल का लंच बॉक्स है और बोंडा ब्रेकफास्ट है। देखिए इतना बढ़िया बन गया जीरा राइस। अभी इसको जो मैं चटनी पीसा हूँ तो चटनी को मैं डाल देता हूँ। देखिए इतना बड़ा आसानी चटनी। ये चटनी में बंडा खाने में इतना मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए इतना बड़ा चटनी।